एक बार की बात है, वासु नाम का एक आदमी द्वारकापुर गांव में रहता था। उसे जादू और जादू टोना सीखने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो उन्हें सीखकर मनुष्य को बाघ बनाना चाहता था। वो मनुष्य को बाघ बनाने का मंत्र सीखने कई जगह गया, लेकिन उसे सिखाने वाला कोई मिला नहीं। एक दिन एक संत जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, एक रात के लिए द्वारकापुर में रुके। वासु उन संत से मिला और उसने अपनी सेवा से उनका दिल जीत लिया। संत ने प्यार से पूछा, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुआ, अपनी इच्छा कहो वत्स। वासु तो जैसे इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, तुरंत साधु से बोला, संत महाराज, बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा है एक मनुष्य को बाघ में बदलने की, कृपया मुझे इसका मंत्र बताइए। तो संत बोले, हमें प्रकृति के विपरीत जाकर कुछ नहीं करना चाहिए, कोई और वर मांगो। लेकिन वासु उनकी बात सुनने की बजाय निराश हो गया और बोला, संत महाराज, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मंत्र बता दीजिए। तब संत महाराज बोले, ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, एक तालाब में स्नान करके आओ। वासु बेहद खुश हो गया, तुरंत तालाब में स्नान करके वापस संत के पास आया। तब संत ने उसके कान में दो मंत्र कहे। संत ने उसे दो पोटली भी दी, एक का रंग पीला था और दूसरी का लाल। सुनो वत्स, इस प्रक्रिया में तुम्हें कुछ शर्तों का ध्यान रखना होगा। किसी को बाघ बनाने से पहले तुम्हें उसकी अनुमति लेनी होगी। तुम्हें पहला मंत्र पढ़कर उस मनुष्य पर पीला रंग छिड़कना होगा। तुरंत वो आदमी बाघ बन जाएगा और मनुष्य जीवन की सारी याददाश्त खो देगा। उस बाघ के माथे पर एक निशान दिखने लगेगा, तुम उस निशान से उस बाघ को पहचान पाओगे। जब तुम्हें उस बाघ को वापस मनुष्य में बदलना हो तो दूसरा मंत्र पढ़ना। जैसे ही तुम बाघ के चेहरे पर लाल रंग छिड़कोगे, वो एक मनुष्य बन जाएगा। ये सुनकर वासु बेहद खुश हो गया और अपने घर गया। उसे देखकर उसकी पत्नी कमला ने पूछा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? तो वासु बोला, अरे भगवान, आखिर मेरा सपना सच हो ही गया। आज मैंने एक संत से मनुष्य को बाघ में बदलने का मंत्र सीखा, कितना खुश हूँ मैं। तो उसकी पत्नी बोली, ए जी सुनो, मैंने भी आज तक बाघ नहीं देखा है, मुझे भी दिखाना बाघ। पत्नी को इतना उत्सुक देख वासु बोला, तब तुम एक काम करो, मैं तुमको आदमी को बाघ बनाने का मंत्र बताता हूँ, तुम उसे पढ़ो और मैं बाघ बनकर दिखाता हूँ, दूसरे मंत्र से वापस मनुष्य बना देना। ऐसा कहकर वासु ने वो दोनों मंत्र अपनी पत्नी को बताए और उसे दोनों रंग पीला और लाल पकड़ा दिए। फिर उसने उसे जरूरी एहतियात बरतने के लिए बताया और उसे एक अलमारी पर चढ़कर बैठ जाने के लिए कहा। वो उस कमरे के बीच में खड़ा हो गया। कमला अलमारी पर चढ़ गई और उसने मंत्र पढ़ा। फिर उसने वासु पर पीला रंग फेंका। तुरंत वासु एक बाघ बन गया और कमरे के अंदर गोल गोल घूमने लगा। उसके माथे पर एक निशान उभर के आ गया। कमला ने जब बाघ को ऐसे करते देखा तो उसे वापस मनुष्य बनाने का मंत्र ही नहीं याद रहा। बाघ की हरकतें देखकर वो बेहद घबरा गई थी। बाघ जोर जोर से गुर्राने लगा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसा कि संत ने कहा था, बाघ बन चुके वासु के दिमाग में मनुष्य जीवन की कोई याददाश्त बाकी नहीं थी। कमला बाघ के रूप में अपने पति को गांव में ढूंढने लगी। उसने पास के गांव से अपने भाई को बुलाया और उसे सारी बात बताई। बहन, तुम्हें जीजा जी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक आदमी कैसे बाघ बन सकता है? वो ऐसा करना ही क्यों चाहते थे? मूर्खता की बात है, बाघ पकड़ना कितना मुश्किल होगा। उसने कमला को डांट लगाई। फिर दोनों पास के जंगल खोजने निकल गए। वासु जो बाघ बन गया था, गांव के मवेशियों को मार रहा था, इससे गांव वाले डर गए थे। उस राज्य के राजा तक इस बात की शिकायत पहुंची। तुरंत राजा ने उस बाघ का शिकार करके उसे पकड़ने का आदेश दिया। कमला और उसका छोटा भाई भी उस जंगल में बाघ को खोजने गए। उन्हें जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बाघ आराम करता दिखा। उसके माथे पर निशान देखकर कमला ने पहचान लिया कि ये उसका पति ही है। बाघ के पास जाना खतरनाक था, इसीलिए वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए और उस बाघ को देखने लगे। उसी समय राजा अपने घोड़े पर सवारी करता हुआ बाघ पकड़ने आया। उसे देखकर बाघ ने छलांग लगाई और राजा की गर्दन पकड़ ली। कमला जो पेड़ पर बैठी बाघ को देख रही थी, उसने तुरंत दूसरा मंत्र पढ़ा और लाल रंग बाघ पर फेंका और बाघ तुरंत वापस वासु बन गया। राजा सकपका गया, उसे कुछ समझ नहीं आया
और उसने फिर वासु से पूछा, अरे बाघ कहाँ चला गया? वासु को एक विचार आया और वो बोला, मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने आए थे। बाघ को देखकर हम डर गए और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। इसी बीच आप आए और बाघ ने आप पर छलांग लगाई। उस बाघ को देखकर मैं आपको बचाने नीचे कूदा, वो बाघ भाग गया। इस तरह वासु ने पूरी कहानी बना के सुना दी। राजा ने वासु और कमला को महल में आमंत्रित किया। राजा ने वासु को बाघ से लोगों को बचाने के लिए एक अधिकारी का पद दे दिया। वासु ने ईश्वर का धन्यवाद किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ईश्वर की कृपा है कि मैं फिर से मनुष्य बन गया। फिर उसने कभी ऐसी मूर्खता नहीं की। एक बार की बात है, गोपावर गांव में धर्मा नाम का एक जमींदार रहता था। सूर्या उसका इकलौता बेटा था। धर्मा ने उसको बड़े लाड़ दुलार के साथ बड़ा किया था। इस वजह से सूर्या को किसी बात से डर नहीं लगता था। अनोखी बात ये थी कि सूर्या को डर क्या होता है इसका भी नहीं पता था। उसे आधी रात कब्रिस्तान में जाने में भी डर नहीं लगता था। धर्मा को ये बात पसंद नहीं थी और वो इस बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता था कि सूर्या इस तरह किसी दिन खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह अब सूर्या बड़ा हो गया था। एक दिन धर्मा ने सूर्या को अपने पास बुलाया। सूर्या, तुम किसी भी चीज से नहीं डरते हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी डर नहीं होगा तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो बेटा। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। डर क्या होता है पिताजी, और कैसा दिखता है, और मुझे डरना चाहिए ही क्यों? धर्मा ने सोचा कि अगर वो डर को शब्दों में समझाएगा तो शायद उसका बेटा समझ नहीं पाए, इसीलिए उसने उसे व्यवहारिक तौर पर समझाने का निर्णय लिया। एक दिन धर्मा ने अपने बेटे को आधी रात गांव के बाहरी छोर पर एक बरगद के पेड़ से उसकी पत्तियां लाने के लिए भेजा। इस बीच धर्मा ने एक आदमी को एक भयानक राक्षस के भेष में उस बरगद के पेड़ पर बैठने के लिए भेजा। उसने उससे ये भी कहा कि जब उसका बेटा बरगद के पेड़ के पास आए तो वो उसे डराए। इसके लिए धर्मा ने उस आदमी को कुछ पैसे भी दिए। जब सूर्या उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, ए लड़के, कौन है तू? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे खत्म करता हूँ। जहाँ खड़ा है वहीं ठहर जाओ। इस तरह वो जोर से चिल्लाया, लेकिन सूर्या डरा नहीं और उस आदमी को पेड़ से नीचे खींच लिया, फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस तरह वो आदमी वहाँ से किसी तरह निकल भागा और धर्मा को जाकर सब कुछ बताया। सुनो भाई, डर का मतलब तुम्हारा बेटा कभी नहीं समझ सकेगा, इसीलिए वो जो चाहे उसे करने दो। ऐसा कहकर वो चला गया। फिर सूर्या 20 साल का हो गया। धर्मा ने सोचा कि शायद अब सूर्या को डर का ज्ञान हो सकता है अगर वो उसे शहर भेजे। धर्मा ने उसे कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वो जहाँ चाहे जा सकता है। सूर्या ने अपने पिताजी की बात मान ली और शहर गया। शहर जाकर उसने बहुत सारे अजूबे देखे और उस रात एक भवन में रुक गया। सूर्या जब उस भवन की तरफ जा रहा था तो एक आदमी ने उसे चेताया और वो बोला, ए लड़के, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस भवन में तुम्हारे लिए रहना ठीक नहीं। वहाँ आधी रात भूत आते हैं और जो चाहे करते हैं। लेकिन सूर्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उस भवन में चला गया। आधी रात वहाँ भूतनियाँ आईं और उन्होंने सूर्या को भवन के बाहर सोते देखा। उन्होंने उसे उठाया और जोर जोर से हंसने लगी। सूर्या उठकर बैठ गया और उन भूतों पर जोर से चिल्लाया, तुम भूत हो क्या? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? तुमने मेरी नींद तोड़ दी और अब जोर जोर से हंस रही हो। बात करनी हो तो सुबह आना। भूतनियों ने लेकिन उसकी बात नहीं मानी और हंसती ही रही। फिर सूर्या को उठाकर एक पुराने घर में ले जाने लगी। ये देखकर सूर्या को बड़ा अचरज हुआ। उन भूतनियों ने उस घर में सूर्या को ले जाकर एक पुराने पलंग पर फेंक दिया और फौरन वो पलंग गोल गोल अपनी जगह पर घूमने लगा। ये देखकर सूर्या को मजा आ गया और वो पलंग पर कूदते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उन भूतों का राजा उस पुराने घर में अपनी पत्नी और गोद ली हुई बेटी के साथ रहता था। सूर्या को खुशी से चीखते देख
सारे भूत असमंजस में पड़ गए। जब भी वो किसी के सामने जाते थे वो लोग डर जाते थे, लेकिन ये लड़का डरने की बजाय पलंग के घूमने का मजा ले रहा था। भूतों को ये लड़का बड़ा अजीब लगा और वो उसे अपने राजा के पास लेकर गए। भूतों का राजा खुद तो 1 फुट लंबा था, लेकिन उसकी दाढ़ी 3 फीट लंबी थी। उसकी दाढ़ी उसके चलने पर फर्श पर झाड़ू लगाती चलती थी। ये नजारा सूर्या को बड़ा विचित्र लगा। उसने अपने हाथों से तालियां बजानी शुरू कर दी और राजा के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। इस पर राजा बेहद नाराज हो गया और उसने सूर्या पर हमला किया। सूर्या ने तुरंत उस कुल्हाड़ी को भूतों के राजा के ऊपर फेंक दिया। वो कुल्हाड़ी राजा की फर्श पर पड़ी दाढ़ी में अटक गई। भूतों का राजा अपनी फंसी दाढ़ी निकालने के लिए उसे बाहर खींचते हुए जोर से चिल्लाया, ए लड़के मुझे बख्श दे, तू जो चाहेगा तुझे दे दूंगा, हाय मेरी दाढ़ी। सूर्या को उस पर दया आ गई और उसने फर्श से कुल्हाड़ी उठाकर राजा की दाढ़ी छुटा के अलग कर दी। भूतों के राजा ने राहत की सांस ली और सूर्या से बोला, मैंने आज तक तुम जैसा बहादुर नौजवान नहीं देखा। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो और आराम से जिंदगी गुजारो, क्या कहते हो? सूर्या सोचने लगा उसे शादी करना चाहिए या नहीं। सुनो नौजवान, ये लड़की मेरी नहीं बल्कि वांग राज्य के राजा की बेटी है। मुझे पसंद आई तो मैं इसे उठा लाया था, शादी कर लो इससे। सूर्या ने भूतों के राजा की गोद ली हुई बेटी को अपने साथ ले लिया और तुरंत वांग राज्य के राजा से मिलने उसके किले गया। जैसे ही राजा ने बचपन से लापता अपनी बेटी को देखा, बेहद खुश हुआ। उसने सूर्या की सराहना की और अपनी बेटी से उसका विवाह कर दिया। राजा ने सूर्या को अपने राज्य का राजा भी बना दिया। तब सूर्या ने अपने पिता धर्मा को बुलाया। अपने बेटे को उस पद पर देखकर धर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में जब धर्मा राजा से अकेले में मिला तो उनसे कहने लगा, महाराज मेरा बेटा बचपन से ही डर किस चीज का नाम है नहीं जानता। मैं हमेशा डरता था कि ये किसी दिन परेशानी में पड़ जाएगा। इस तरह धर्मा ने अपनी चिंता व्यक्त की। राजा मुस्कुराया और बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी जीत को हासिल करने के लिए निडर होना ही चाहिए। यही कारण है कि सूर्या ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये सुनकर धर्मा को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने अपने बेटे को मन ही मन ढेर सारा आशीर्वाद दिया।